Hey guys, welcome to Nita Charitable Trust. दोस्तों स्टार्ट करते इस वीक का टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब जो इस वीक में निकला है बुलेटिन रफ्तार के साथ। BSNL ने इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी निकाला, लगभग 11,000 से अधिक अपना वैकेंसी निकाला है। इसके एज लिमिट लगभग 20 से 30 साल तक का बताया गया है। इसका लास्ट डेट 31 जनवरी है। इसका सैलरी लगभग 16,000 से लेकर 40,000 तक कन्फर्म किया गया है। इसके एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 1,000 रुपया और SC ST PWBD के लिए 500 रुपया तय किया गया है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया है BA, BTEC, MSc होना जरूरी है। रिटन एग्जाम होगा और मेरिट लिस्ट भी दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू या फिर इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने लगभग 600 से अधिक अपना वैकेंसी निकाला है। इसके एज लिमिट मिनिमम 15 से लेकर 24 साल तक बताया गया है। इसका 10 फरवरी लास्ट डेट है। इसका सैलरी 8,000 से लेकर 12,000 तक पर मंथ के बताया गया है। इसमें SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है और जनरल और OBC के लिए 100 रुपये तय किया गया है। अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 10th पास और ITI होना जरूरी है। इसमें मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू या फिर इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने लगभग 2,000 से अधिक अपना वैकेंसी निकाला है। इसके एज लिमिट लगभग 15 से लेकर 24 साल तक बताया गया है और इसका सैलरी 8,000 से लेकर 13,000 तक पर मंथ के लिए कंफर्म किया गया है। इसका ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी चार्जेस नहीं है और 10th पास होना मिनिमम या फिर ITI होना अनिवार्य है इसके लिए। इसमें मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगभग 1500 से अधिक अपना वैकेंसी निकला है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। इसका एज लिमिट लगभग 21 साल से लेकर 42 साल तक बताया गया। 19 फरवरी इसका लास्ट डेट है। इसका सैलरी लगभग 70,000 पर मंथ का कन्फर्म किया गया है। इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें मिनिमम MBBS होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। ये बिल्कुल जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और SC ST OBC के लिए 250 रुपये तय किया गया है। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू ये कर सकते हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने लगभग 700 से अधिक अपना वैकेंसी निकाला है। नंबर 5, इसके एज लिमिट लगभग 18 से लेकर 44 साल तक बताया गया है। इसका सैलरी लगभग 38,000 से लेकर 1,24,000 तक कन्फर्म किया गया है। इसके एप्लीकेशन फीस लगभग 320 रुपया है और अनएम्प्लॉय के लिए बिल्कुल फ्री है। कैंडिडेट के लिए मिनिमम LLB डिग्री होना जरूरी है। रिटन एग्जाम होंगे और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू ये कर सकते हैं। एयरलाइन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगभग 600 से अधिक अपना जॉब वैकेंसी निकला है। जो लोग एयर होस्टेस के लिए ट्राई करें जरूर ट्राई करें। नंबर 6, इसके एज लिमिट लगभग 27 साल के आसपास बताया गया है। इसका लास्ट डेट 21 जनवरी है। मिनिमम इसका सैलरी है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक पर मंथ का कंफर्म किया गया है। इसके एप्लीकेशन फीस लगभग 300 रुपया है, जनरल के लिए और OBC के लिए और SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम BE और या फिर BTEC होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। हरियाणा के नेशनल हेल्थ मिशन ने लगभग 550 से अधिक अपना जॉब का वैकेंसी निकाला है। इसके लिमिट लगभग 18 से लेकर 42 तक बताया गया है। इसका सैलरी लगभग 25,000 पर मंथ बताया गया है। इसका एप्लीकेशन फीस लगभग 200 है और SC ST के लिए 100 रुपीज है। मिनिमम डिग्री चाहिए BSc या फिर BAMS का जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। NHPC ने लगभग 500 से अधिक अपना जॉब वैकेंसी निकाला है। इसका एज लिमिट है 38 ईयर्स। इसका सैलरी लगभग 50 से लेकर 1 लाख के अबव इसका सैलरी बताया गया है। इसका लास्ट डेट 25 जनवरी है और इसका OBC और जनरल के लिए 295 रुपीज और SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया BE, BTEC, BSc, LLB, MBA, PG होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना मोटर व्हीकल के लिए लगभग 100 से ज्यादा अधिक अपना जॉब वैकेंसी निकाला है। इसका एज लिमिट लगभग 21 से लेकर 39 ईयर्स तक। इसका 1 फरवरी इसका लास्ट डेट है। इसका सैलरी लगभग 45,000 से लेकर 1 लाख अबव इसका सैलरी बताया गया है। इसका एप्लीकेशन फीस लगभग 320 रुपीस के आसपास बताया गया है। इसका ये मिनिमम डिग्री चाहिए बीई बीटेक और डिप्लोमा होना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे। अप्लाई करने के लिए ऑल एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। एम्स भुवनेश्वर ने लगभग 88 से ज्यादा अपना जॉब वैकेंसी के लिए निकाला है। इसके एज लिमिट लगभग मिनिमम 45 इयर्स के अंडर में होना जरूरी है। 14 जनवरी इसका लास्ट डेट है। इसका सैलरी लगभग 37,000 के आसपास बताया गया है। इसका एप्लीकेशन फीस लगभग 1,500 रुपया ओबीसी और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए लगभग 1,200 रुपया तय किया गया है। इसके लिए मिनिमम जो डिग्री चाहिए वो है एमएस एमडी बीडीएस एमबीबीएस होना जरूरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपको बताया गया कि मेरिट लिस्ट होंगे और इंटरव्यू होंगे। और भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। एवरी संडे हम आपसे मिलेंगे और नए जो भी गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट होंगे उसके साथ। थैंक यू सो मच।